मैंने हैदराबाद में कहा कि आंध्र प्रदेश के किसी जिला अधिकारी ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तेलंगाना के किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, हो सकता है मुंबई ने देखा हो, हो सकता है उसने लखनऊ ने देखा हो, हो सकता है उसने पटना में देखा हो, लेकिन उसने उत्तराखंड जरूर देखा होगा, क्योंकि आईएएस एकेडमी मंसूरी हमारे पास है, उसने आईएएस की ट्रेनिंग उत्तराखंड में की। हो सकता है आर्मी के किसी ऑफिसर ने हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा शहर न देखा हो, लेकिन उसने उत्तराखंड देहरादून जरूर देखा होगा, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी पानी पिलाई। मैंने अच्छा तुमको पानी पिलाया, कोई बात नहीं, अब आप मुझे पानी पिलाने लगी। मैंने कहा हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा शहर ने देखा हो, लेकिन उसने उत्तराखंड जरूर देखा होगा, क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी हमारे पास है। ओएनजीसी के किसी अफसर ने, हो सकता है हिंदुस्तान का कोई बड़ा सा बड़ा शहर में देखा हो, लेकिन उसने उत्तराखंड देहरादून जरूर देखा होगा, क्योंकि ओएनजीसी का हेडक्वार्टर हमारे पास है। सर्वे ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है सर्वे की, उसने हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा शहर में देखा हो, मुंबई में देखा हो, लेकिन उसने उत्तराखंड जरूर देखा होगा, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में हमारे पास है। फॉरेस्ट ऑफिसर ने, बड़े से बड़े अफसर ने, छोटे से छोटे कर्मचारी ने, हो सकता है हिंदुस्तान का बड़ा सा बड़ा शहर न देखा हो, लेकिन उसने देहरादून जरूर देखा होगा, क्योंकि इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देहरादून के पास है। तो ये मैं लोगों से कहता हूं कि गंगा यमुना नहीं है, ये दो नदियां नहीं है, ये दो विचारधाराएं हैं, दो सभ्यताएं हैं। और इसलिए मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि भले ही मैं नई देर से आया हूं आपके बीच में, एक इस निवेदन के साथ कि आप सब लोग मिलकर इस देवभूमि है, और इस देवभूमि का आशीर्वाद, मैंने कहा कि तीनों धर्मों के दुश्मन से देवभूमि है, इसका आशीर्वाद जिसने ये लिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सबने, जो जितनी सभ्यताएं निकली हैं इस हिमालय की कंदराओं से निकली है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये उत्तराखंड छोटा सा हमारा राज्य 1,25,00,000 लाख, लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हम 1,25,00,000 लोग जरूर हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी 1,25,00,000 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज हम 1,25,00,000 लोगों के ऊपर है। लेफ्टिनेंट चाहे अजय डोभाल जी जो भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार, चाहे थल सेना के जनरल बिपिन रावत हो, चाहे रॉ के भट्टी हो, चाहे जो पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था है, आज वो हम प्रधानमंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान आज आप हम सब यहाँ चैन से बैठे हैं। हमारे उत्तराखंड का फौजी आज सीमाओं में, हम तब चैन से बैठे हैं जब वो आज सीने पे गोली खा रहा है। तो इसलिए आज हमें फख्र होता है कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं जिस धरती ने पूरे 125 करोड़ देश के लोगों के बीच में अमन चैन पैदा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपनी शहादत दी है। उस धरती आप सबका, उस देश का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।